नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन को लेकर के। तो मेरे दोस्तों, आप सभी की बहुत ज़्यादा अपील आ रही थी तो अब मैं शुरू कर दिया हूँ और बिंदास क्लास चलेगी। वही क्वेश्चन करवाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और अच्छे से मन से अब आप सभी लग जाइए। आपके पास बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, मौज 2 से 3 दिन बचे हैं, लेकिन इन 3 दिनों में मेरे ध्यान देना मेरे दोस्तों, मेहनत करना, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे अरे तुम सक्सेना सीपी क्लासेस के शेर और शेरिनी हो, फोड़ के रख दोगे और फाड़ के रख दोगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे, ये यकीन है मेरा मेरे दोस्तों। क्योंकि देखिए, मैंने उधर भी क्लासेस करवाई थी लेकिन इधर थोड़ा सा पेपर सॉल्यूशन सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का देने में थोड़ा सा मेरे दोस्तों व्यस्तता हो गई, जिसके वजह से मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा जो हमारी क्लासेस थी उसमें ब्रेक हो गई। लेकिन अब यकीन करना, पूरा कराएंगे, अच्छे तरीके से कराएंगे। और थर्ड सेमेस्टर का यदि आप लोगों ने पूरा देखा है, पूरी जो मेरी क्लासेस देखी हैं, एग्जाम्पल कराना ससुरा, एक एक प्रश्नावली क्वेश्चन कराना, क्या क्या मैंने आप लोगों के लिए नहीं कराया मेरे दोस्तों, यदि वहां तक किए होंगे तो देख लेना मेरे दोस्तों, 25 में 25 तो तय है मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का जो आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, और आप लोगों का 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है देखिए कि यदि ए, यदि यदि समुच्चय ए बराबर दिया है आपका, कितना दिया है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ठीक है, इतना है 13, और बी बराबर दिया है आपका देखिए 1, 5, 9, 13, 1, 5, 9, 13, 17, 21, कितना, इतना दिया है, हो इतना हो तो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी का मान, का मान ज्ञात कीजिए। और ये आप लोगों का 2017 में पूछा गया था मेरे दोस्तों। किसमें पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। क्या करना है इसमें, देखिए ए का मान दिया है आपका, बी का मान आपका दिया है और ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है मेरे दोस्तों, इन दोनों में जो संख्या कॉमन होगी वही संख्या ए इंटरसेक्शन बी होगी। कहने का मतलब इन दोनों में संख्या क्या है, मौसम समझिए। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, 2 देखिए इसमें है नहीं है, कि है मेरे दोस्तों नहीं है, 5 को देखिए, 5 को इसमें है देखिए है, अगर इसमें है तो 5 को मैं क्या करूंगा लिख लूंगा, 7 इसमें है नहीं है, 9 इसमें है देखिए यहां पर, ये इसमें यहां पर भी 9 है और यहां पर भी 9 है, तो 9 को लिख लूंगा, 11 इसमें है नहीं है, 13 इसमें है देखिए यहां पर है और इसमें भी है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होगा मेरे दोस्तों यही होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया। ए इंटरसेक्शन मैंने समझ लीजिए, कि इंटरसेक्शन कहे तो कहने का मतलब मौसा समझ लो, और यूनियन कहे तुला सा समझो। अगर यूनियन इसमें कहता तो इसमें जो कॉमन रहता उसको भी मैं लिखता और जो कॉमन ना रहता उसको भी लिखता मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों वो है देखिए कि 9a² कितना है, 9a² माइनस 24a प्लस 18a³ को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए, भागफल ज्ञात
कीजिए, ये आप लोगों का प्रश्न है और ये पूछा गया है। समझिएगा मेरे दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चुटकियों में करेंगे सॉल्व, समझ लीजिए एकदम लॉलीपॉप तरीका है। ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो ये समझ लीजिए आप लोगों को फोकट का नंबर दे रहा है। कैसे दे रहा है, सबसे पहले इसको आप लोगों को लिखना है, देखिए स्टैंडर्ड रूप में लिखिए। सबसे पहले बड़ी घात होती है, तो देखिए बड़ी घात कितनी है, एक का क्यूब है, इसको लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले 18 को लिख लीजिए, 18 एक का क्यूब। इसके बाद इससे घटता हुआ क्रम कौन होगा, देखिए इसके आगे क्या होगा, प्लस तो हो जाएगा देखिए 9 ए स्क्वायर। इसके बाद क्या है लास्ट में आपका माइनस 24 ए, तो यहां लिख देंगे माइनस का 24 ए, और इसमें भाग किसका देना है मेरे दोस्तों, 3 ए का। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, अगर यहां पर दो टर्म देता है भाई 3a प्लस 4 होता है, ऐसा कुछ करके होता, कुछ भी नहीं करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका पहला पद ले लिए, क्या है 18a क्यूब, तो 18a क्यूब में इसके पहले पद का क्या करना है, चुप मार करके भाग दे दो, कुछ भी ना समझो, आंख बंद कर लो, सिर्फ भाग दे दो, आंख बंद करके भाग दे 3a। अब इससे कटेंगे देखिए, एक तो स्क्वायर कटेगा, इससे कटेंगे तो आपका कितना होगा, 6 बार में जाएगा, तो आया कितना देखिए 6a स्क्वायर। जो ये आया उसी का आपको इसमें गुणा करना है, जैसे चलिए 6 स्क्वायर, 6a स्क्वायर का 3 में गुणा करेंगे तो 6 का कितना होगा 18, और a स्क्वायर में a का गुणा करेंगे तो कितना होगा भैया, a स्क्वायर में अगर a का भाई एक पावर 1, अगर बेस दोनों का समान है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ये मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा 18a का क्यूब। इसके बाद जैसे भाग में घटाते हैं इसमें भी घटाएंगे तो ये दोनों आपका कट जाएगा। अब बचा क्या देखिए, प्लस का ये वाला आपका नीचे उतर जाएगा, तो 9a स्क्वायर। अगला भी आपको वही काम करना है, क्या काम करना है कि ये 9 स्क्वायर हुआ, अब 9a स्क्वायर में क्या करिए, फिर वही 3a से भाग दीजिए, किससे 3a से भाग देंगे, देखिए a स्क्वायर से ये कट गया, 3 त्रिक का 9, आपका आया कितना मेरे दोस्तों 3a। कितना, प्लस का 3 या माइनस का 3a, प्लस का 3a, तो प्लस का 3a से क्या करेंगे, इसका करेंगे तो 3 त्रिक का कितना होगा 9a स्क्वायर, घटेगा आपका कट जाएगा। अब इसके बाद क्या आपका आया, माइनस का 24 है, माइनस का 24 ए, कितना आया माइनस का 24 ए लाना है। अब क्या करना है देखिए, माइनस का 24 ए है तो माइनस का 24 ए निकाल लीजिए, उतार लीजिए माइनस का 24 ए। अब आपको क्या करना है, किससे भाग देंगे, वही काम 3 ए से भाग दे दीजिए, तो 3 ए से भाग देंगे, देखिए ए से ए कट जाएगा, इसका काम करेंगे तो 6 आएगा, तो कितना आएगा देखिए, माइनस चिन्ह लगा, माइनस का 6, मतलब कि माइनस का 6 से आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो माइनस 6 का 3a में गुणा करेंगे तो आपका आया कितना 24a, तो हो जाएगा माइनस का 24a। अब देखिए चिन्ह बदल जाएगा, जब घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, आपस में कट जाएगा 0, तो भागफल कितना आया मेरे दोस्तों, 6a स्क्वायर प्लस 3a माइनस का 6, ये क्या होगा आपका भागफल, और यही पूछा था मेरे दोस्तों, क्या किया था, यही पूछा था। तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों, तो चलिए अगर अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों, तो आपके भाई को जो आप लोगों का सपोर्ट, जो आप लोगों का एक जो मनोबल होता है वो तो चाहिए ही चाहिए मेरे दोस्तों, उसे जरूर देना। तो जितने भी लोग जुड़ गए हैं लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे लिए आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही सबसे अमूल्य धन है मेरे दोस्तों। अगर आप लाइक करते हैं मेरे दोस्तों तो मोटिवेशन मिलता है हमें कि आगे के मुझे लगता है कि नहीं मैं काम अच्छा कर रहा हूं मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो आप लोगों का थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां पर देखिए ये जो है आप लोगों का 8 होगा, क्योंकि 3 8 24 होगा, 3 6 18 हो जाएगा, यहां पर गलती से देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो माइनस 8 का जब इसमें करेंगे तब माइनस का 24 आएगा, तो यहां पर आपका देखिए 6 नहीं रहेगा, कितना रहेगा आपका 8 रहेगा, कितना रहेगा मेरे दोस्तों, ये माइनस का 8 रहेगा। चलिए बस आप लोग देखिए कमेंट करते रहते हैं तो समझ में आ जाता है देखिए कि क्या है, गलती कहां से हो रही है दोस्तों। चलिए थोड़ी सी गलती है, अरे आपका अपना भाई है, गलती तो हो सकती है कि नहीं है, चाम की जीभ है फिसल जाती है, अरे हम भी इंसान हैं, भूल हो जाती है, माफ कर दिया करिए दोस्तों। दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है, कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, क्वेश्चन है देखिए कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ओबीसी बराबर 40 अंश, यदि
कोण ओ बी सी बराबर 40 अंश, तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मेरे दोस्तों? कोण ओ बी सी का मान ज्ञात कीजिए। और आप लोगों का चित्र दिया है, देखिए ये आप लोगों का चित्र है, ये आप लोगों का केंद्र है, ये ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, ये आप लोगों का 40 अंश है, ये केंद्र ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये आप लोगों का 2017 में पूछा गया है। कितने में? 2017 में। तो ये आप लोगों का समझिए कि मैं 2017 का ही पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। दोस्तों कह रहा है कि दिए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। भैया ओ वृत्त के केंद्र वाला एक क्या है आपका? वृत्त है। आगे क्या कह रहा है? यदि ओ बी सी, अब समझिएगा ओ बी सी 40 अंश है तो बी ए सी आपसे पूछ रहा है। कौन सा? बी ए सी पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब जरा समझिएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इस ओ बी सी त्रिभुज में, किस में? त्रिभुज ओ बी सी में ओ बी बराबर ओ सी होगा या नहीं होगा? क्यों होगा मेरे दोस्तों? क्योंकि ये भी क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है भाई, यहां से यहां तक ये भी जो दूरी होगी त्रिज्या होगी, और ये भी क्या है? वृत्त की त्रिभुज क्या है आपकी? त्रिज्या है। ओ बी बराबर ओ सी, क्यों? त्रिज्या। क्या बराबर मेरे दोस्तों? त्रिज्या। जब त्रिज्या हो गया तो अगर ये आपका हो गया तो ये दो भुजाएं आपस में जब बराबर हो गई तो इस भुजा के सामने वाला भाई, इस भुजा के सामने वाला भाई, जो तो भुजाएं हो गई तो इनके सामने आमने सामने के जो दो कोण होंगे वो भी तो बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होगा? तो अगर ये 40 है मेरे दोस्तों तो इसके सामने वाली भाई ये भुजा और इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर, ये भी 40 हो जाएगा क्या? ये वाला भी आपका 40 हो जाएगा क्या? हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी लिख सकते हैं? तो कोण ओ सी बी बराबर भाई ओ बी सी का मान तो दिया ही है आपका 40, तो ये भी 40 हो जाएगा मेरे दोस्तों, हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो हम लिखेंगे, देखिए कि त्रिभुज किसमें? ओ बी सी में क्या? कोण ओ बी सी प्लस कोण कौन सा? ओ सी बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश होगा या नहीं होगा मेरे दोस्तों? अरे ये त्रिभुज हो गया तो समबाहु त्रिभुज हो गया, तो इस ये कोण भाई, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब दो कोण बराबर होंगे मेरे दोस्तों तो ध्यान रखिए ये दोनों आपका त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? 180 अंश होता है, मैंने बताया था। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोण, क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोण, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिए ओ बी सी और ओ सी बी का मान देखिए हम लोगों ने निकाला कितना? 40। तो यहां लिखेंगे 40 प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश, तो कोण बी ओ सी बराबर 180, और 40 कितना होगा? 80 इधर आएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 80 हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपका? 100 अंश हो जाएगा। कितना होगा मेरे दोस्तों? बी ओ सी का जो मान होगा आपका 100 अंश हो जाएगा, और हमसे पूछा किसका है? बी ए सी का मान। तो कोण बी ए सी बराबर 1/2 गुणते कोण बी ओ सी होगा, क्यों का? अरे मैंने प्रमेय सिद्ध कराते वक्त मैंने बताया था कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का ये क्या होता है? दुगना होता है। बताया था मेरे दोस्तों, क्या मैंने बताया था कि किस, जैसे मैंने सीधे समझ लीजिए कि केंद्र पर बना कोण
कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है, दुगना होता है, ये मैंने बताया था मेरे दोस्तों। तो कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा एक बटा के दो गुणते बी ओ सी का मान कितना है 100, काटेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 50 अंश, कितना आएगा 50 अंश आएगा। और उम्मीद नहीं, मैं पूरे यकीन के साथ पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, चलिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और यह है देखिए कि 2 घंटे 15 मिनट का, किसका 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए, क्या है 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। यह आपका 2017 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अब जरा समझिएगा, यहां 2 घंटा है, 15 मिनट है, यहां 45 मिनट है, तो अगर हमको अनुपात याद करना है या तो मैं पूरे को घंटा बना दूं या पूरे को मिनट बना दूं, ये मिनट है तो मैं पूरे को क्या करता हूं मेरे दोस्तों, मिनट बना देता हूं। क्यों? क्योंकि कभी भी तुलना जो होती है समान व्यक्ति में होती है। अब मैं कहूं कि मेरे पास 1 रुपए है, अब सामने वाला कहे मेरे पास 1 डॉलर है, क्या है मेरे दोस्तों, एक मेरे पास 1 डॉलर है, तो क्या दोनों बराबर होगा? नहीं, तुलना कब करी की जाएगी भैया, कहेंगे कि 1:1 एक का अनुपात है भैया, 1 रुपया और 1 डॉलर कब संभव है मेरे दोस्तों? अरे 1 डॉलर में तुम्हारा लगभग 74 या 75 रुपए होता है, तो या तो डॉलर को क्या करो, किसमें बदलो आप, रुपया में बदल करके अनुपात तब आपका बराबरी होगा, बराबरी में भी तुलना की जाएगी ना। जैसे समझिएगा कि मैं कहता हूं मैं बहुत बड़ा धावक हूं, बहुत बड़ा धावक हूं, हो रही है लड़कियों की रेस, हमको कह दिया अरे सर हमको दौड़ने दीजिए ना, अरे हमको भला लड़कियां पछड़ा दें, तो सर कहेंगे ना कि अरे ससुरा पागल समझते हो हमको, अगर तुम्हारे अंदर हुनर है तो चलो लड़कों के साथ दौड़ के दिखाओ, तब समझ में आएगा ना। तो इसमें क्या है, तुलना किससे की गई, लड़कों की। अगर मैं बहुत बड़ा अगर रेसर हूं तो मैं अगर लड़कों से तेज दौड़ता हूं, जो भी इंडियन धावक हैं, जो भी भारतीय धावक हैं, अगर मैं उनसे तेज दौड़ता हूं तब तो मैं एक क्या हूं, धावक कहलाऊंगा। लेकिन अगर तुलना आप लड़कियों से कहेंगे तो लगभग मैं नॉर्मल अगर जो रेसर होगा, जो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो रेसर होगा, तो हो सकता है कि वो लड़कियों को पछड़ा दें। तो तुलना हमेशा क्या होती है, बराबर समान वालों में होती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे को हम मिनट में बदल देंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, 120 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो 120 और प्लस 15 टोटल क्या हो जाएगा आपका मिनट, इधर आपका कितना है 45 मिनट, इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 135, इधर हो जाएगा मेरे दोस्तों 45, तो 45 एक कम 45, 45 3 135, आपका आएगा 3:1, कितने का अनुपात आया 3:1 का अनुपात आएगा। समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों, उम्मीद नहीं, यकीन नहीं, नहीं पूरा विश्वास है मुझे आप सभी मेरे दोस्तों पर कि समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, शेयर करते रहिएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक जो बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये समझ लीजिए कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है देखिए कि 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची, कितना है आपका 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची, 5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सा कि 8 मीटर लंबी
3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन। दीवार है, दीवार का मतलब क्या है ये भी तो आप लोगों को समझना है। अरे एक दीवार ऐसे समझ लीजिए कि घर में यही मेरी दीवार है। इस दीवार की एक अगर मैं इस कमरे कर रही हूं तो इसकी लंबाई अलग है, ऊंचाई अलग है और मोटाई भी अलग है। अरे आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कैसे करूं, समझने का कोशिश करिएगा। जैसे इसी मोबाइल को ही आप समझिए, इस मोबाइल को ही आप देखिए, ये समझ लीजिए एक दीवार है। क्या है मेरे दोस्तों? ये दीवार है। अरे ये दीवार है, एकदम फिट बैठ रहा है। तो इसमें इस दीवार में क्या क्या है, देखिए ये लंबाई कह दिया, ये लंबाई इतना मीटर, ये चौड़ाई हो गया और ये इसकी तो कुछ मोटाई होगी मेरे दोस्तों। तो यही क्या हो गया, किस शेप में है आपको ये दिख रहा है, घनाभ के शेप में। तो कुल मिलाकर के आपसे पूछ क्या रहा है, घनाभ का आयतन। तो मेरे ध्यान रखना मेरे दोस्तों, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, क्या होता है मेरे दोस्तों, घनाभ। या फिर मैं लिख सकता हूं, देखिए दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई कह सकते हैं, या मोटाई कुछ भी कर लीजिए, मैं यही लिख लेता हूं, ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन एक बात को यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये देखिए मीटर में है, ये भी आपका मीटर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। तो जरा ध्यान रखिएगा, या तो इसको हम मीटर में चेंज करें या इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करें, तभी तो बराबर का तुलना होगा। तो मैं क्या करता हूं, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लेता हूं। तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100 मीटर, यही होगा। तो 20 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, 20 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 20/100 मीटर, और काटेंगे तो 20×5=100, 1/5 मीटर होगा। कितना इसको करेंगे तो 0.2 मीटर, कितना आएगा मेरे दोस्तों, 0.2 मीटर आ गया इसका मोटाई। तो लंबाई कितना है, 8, तो हम करेंगे 8, शब्द के मीटर में है। तो अंतिम में जो आपका आयतन आ जाएगा वो क्या होगा, क्योंकि बोल रहा है ना दीवार का आयतन, तो दीवार का आयतन तो वो क्या हो जाएगा, घन मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मीटर भाई, मीटर 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 का गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, देखिए इसका मीटर लंबाई भी, लंबाई वाला मीटर, चौड़ाई वाला मीटर, और ऊंचाई वाले को भी मैंने क्या कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। तो क्या होगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा, तो मीटर का क्यूब लिखें या घन मीटर लिखें, समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। चौड़ाई कितना है, 3.5, और ऊंचाई कितना है, 0.2, यही है मेरे दोस्तों। तो आप जरा समझिएगा, अब हमें क्या करना है, देखिए गुणा करेंगे, देखिए आपका कितना हो जाएगा, इसका इसमें हम गुणा कर लेते हैं, तो 8×5=40 के सुन्ना हासिल 4, 8×3=24, और 4 कितना होगा आपका, 28, 28 होगा, 28.0 भाई 1.0, इतना गुणते 0.2 हो जाएगा। तो इसका करेंगे देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए इसको तो छोड़ ही दीजिए, कोई मतलब नहीं है, 28 ही हो गया। इसका गुणा करेंगे देखिए, 8×2=16 और 2×2=4 5, 8×2=16 और 2×2=4 4×1=5, 56 आ जाएगा, लेकिन 5.6 घन मीटर कितना आएगा, मतलब कि दीवार का जो आयतन होगा 5.6 घन मीटर हो जाएगा। अगर आप लोगों को यहां पर भी दिक्कत हो रही है तो इसको सेंटीमीटर में आप चेंज करके भी आप लोग निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए एक समुच्चय का है कि यदि समुच्चय ए बराबर है आपका 8, 12, 15, 16 और बी बराबर है आपका 8, 15, 17, 20 इतना है, तो इतना है तो समुच्चय, तो समुच्चय ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। क्या है, ज्ञात कीजिए।
ये भी प्रश्न आप लोगों का 2017 में पूछा गया था, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया एक भैया ए का जो मान दिया है आपका क्या दिया है, देखिए 8 है, 12 है, 15 है, 16 है। बी का जो मान दिया है वो है 8 है, 15 है, 17 है, 20 है, यही है। तो ए यूनियन बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब समझ रहे, मैंने कहा था कि लॉस, ए यूनियन बी का मतलब लॉस होता है। तो लॉस का मतलब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 8 दोनों में है तो 8 को लिख लीजिए। क्या 12 इसमें है, नहीं है मेरे दोस्तों, तो 12 को भी लिखेंगे, क्या करेंगे। लॉस में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो 12 कॉमन नहीं है तो मैं 12 को लिख लेता हूं, एक ही बार लिखिएगा, दो बार मत लिखिएगा। अब आगे आ जाता है देखिए 15, देखिए इन दोनों में कॉमन है तो 15 को लिख लीजिए। क्या 16 है इसमें, नहीं है तो 16 को भी लिख लीजिए। 17 है, देखिए अभी यहां को खेला खत्म हो गया, नीचे वाला देखिए 17 है इसमें, नहीं है इसको भी लिख लीजिए। 20 है इसमें, नहीं है इसको भी लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अब आगे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, मौसम। तो अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, देखिए 8 देखिए दोनों में कॉमन है तो मैं 8 को लिख लूंगा, 15 दोनों में कॉमन है तो मैं 15 को लिख लूंगा। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कॉमन है, ये देखिए 12 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 16 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या है आपका 8 और 15 है। तो ए यूनियन बी ये होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा। ध्यान रखना एक प्रकार का और क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए ए माइनस का बी पूछ सकता है। तो ए माइनस का बी का मतलब क्या होता है, देखिए कि ए में से माइनस का बी करना, मतलब बी के जितने भी एलिमेंट हैं उसको क्या करना है आपको, खत्म कर देना। जैसे मैं इसका ए माइनस बी निकालूं, जैसे अगर पूछ दे ए माइनस बी, तो देखिए अब आपको समझने की कोशिश करना है, देखिए कि ए माइनस का बी क्या होगा, समझिएगा मेरे दोस्तों। ए माइनस का बी करना है कि ए में जितने भी बी के तत्व हैं उसको क्या करना है, लिखना नहीं है। जैसे देखिए 8 है इसमें ना, तो इसको नहीं लिखेंगे हम, क्या करेंगे ए, इसको हटा देंगे भाई, ए में से इसको हटा देंगे, 8 को नहीं लिखेंगे। 12 जो है इसमें नहीं है तो 12 को लिख लेंगे, क्योंकि घटाना है, समझिए 8 को काट दिए, मतलब माइनस बी का मतलब कि बी में देखिए अगर 8 है तो 8 को काट देंगे, 8 को नहीं लिखेंगे। 15 है इसमें, देखिए है, देखिए यहां पर 15 था, है ये 15 है, तो इसको भी काट देंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे। 16 है इसमें, नहीं है, तो ये होगा 12 और 16, क्या होगा ए माइनस बी जो होगा 12 और 16 होगा मेरे दोस्तों। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाना। मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक प्रश्नावली का, हर एक क्वेश्चंस उदाहरण के साथ मैंने करवाया है मेरे दोस्तों। यदि आप लोगों ने किया होगा, जितने भी लोग पुराने होंगे तो उनको पता होगा मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना ऐसे ही प्यार और दुलार बनाए रखना मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, लॉग 6 क्या है आपका, लॉग 6 1296 इतना का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों से कह रहा है कि लॉग 6 1296 का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कि ये जो बेस होता है इसको हम इसी के आधार के रूप में तोड़ेंगे, किसको मेरे दोस्तों, जो 1296 है उसको 6 के आधार के ही रूप में तोड़ेंगे। कहने का मतलब कि इसको 1296 6 के घात हम लिखेंगे, जैसे 8 है ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है लॉग, यहां पर 2 दिया है, इसका मतलब 8 को हम 2 के घात के रूप में लिखेंगे। इसका मतलब यह है देखिए लॉग 2 और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो उसी तरीके से इसको 6 के घात के रूप में हमें लिखना है, ये बेस ये दिखाता है इसको 6 के घात के रूप में हमें लिखना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसका लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको पता है तब तो ठीक है, क्योंकि ये 6 के घात 4 है ठीक है, 6 6 36 और 36 में 36 से गुणा करेंगे तो 1296 आता है। लेकिन नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट तरीका है 1296 का क्या करिए, गुणनखंड करिए, 2 से तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 6 दुना कितना हो जाएगा आपका 12 और 4 दुना के 8 और कितना हो जाएगा, 4 दुना के 8 9 दुना के 8 दुना के 16 फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 दुना के 6 2 दुना के 4 4 दुना के 8 ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 2 एकम
2 6 2 12, 2 1 2, 6 2 12, 2 2 4। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 81। फिर किससे करेंगे मेरे दोस्तों, 3 से करेंगे तो आपका होगा 27। फिर 3 से करेंगे तो आपका होगा 9। फिर 3 से करेंगे तो आपका 3 होगा। फिर 3 से करेंगे तो आपका 1 होगा मेरे दोस्तों। तो समझिए मैंने 1296 को क्या लिखा, 1296 को मैंने लिखा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, यही हुआ 1 2 3 4, यही हुआ। इसके बाद गुणते क्या होगा आपका, 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। हमें 4 के रूप में भैया बेस क्या दिखा रहा, 6 के रूप में बना, मतलब इसको हमको 6 बनाना है। तो 1 3 का इसके साथ गुणा कर लीजिए तो 3 दूना कितना होगा आपका, 6 होगा। 1 3 का इसके साथ गुणा कर लीजिए तो कितना होगा, 3 दूना कितना होगा आपका, 6 होगा। फिर 1 3 का इसके साथ गुणा करिए, 3 दूना कितना होगा आपका, 6 होगा। फिर 2 का 3 से गुणा कर, 3 दूना कितना होगा आपका, 6 होगा। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ 6 के घाते 4, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता मेरे दोस्तों, 1296 को ही तो मैंने लिखा 6 के घाते 4। तो यहीं पर मैं वही काम करूंगा, देखिए लॉग 6 यहाँ 6 के घाते 4 हो जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, लोग पढ़ाते समय मैंने बताया था कि लॉग एम के पावर अगर एन हो तो एन पहले आ जाता है, तो हो जाता है एन लॉग एम हो जाता है, ये मैंने बताया था मेरे दोस्तों। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा, देखिए 4 log 6 base 6, अगर देखिए आधार भी 6 है और ये भी 6 है, दोनों का 6 है, तो इसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो 4 गुणते कितना आएगा आपका, 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4 हो जाएगा। और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों से एक मेरी बहुत बड़ी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि थ्योरेटिकली क्वेश्चंस देखिए पूछा ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन आपका जो चीजें हैं पैटर्न चेंज होता जा रहा है। और जब मैं करा रहा था, जब मैं इस चीजें पढ़ा रहा था, तो बहुत से लोग कह रहे थे सर ये क्यों करा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों मैंने कहा था कि मैं एक बार ही ये चीज बना रहा हूं, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, और जब भी दोबारा आऊंगा तो सिर्फ रिवीजन लेकर के आऊंगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बैंकिंग का जो है, जो आपका आता है चेक आता है, वाहक चेक आता है, क्रॉस चेक होता है, ये सब के बारे में थोड़ा आप लोग डिटेल में कर लीजिएगा। और दूसरा शेयर तथा लाभांश, जो मैंने चैप्टर बताया था एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से, तो उसमें शेयर जो है किस पे दिया जाता है, हर एक चीज का जो प्रश्न उत्तर है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का एक पूछा ही पूछा जाएगा 100%। और अगर उसको आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस भी बनाने में मजा आएगा, क्योंकि उसी पर आधारित आप इस समय आप लोगों का क्वेश्चंस आ रहा है मेरे दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट है, देखिए कह रहा है, देखिए कि यदि नहीं नहीं हां कितने समय में, क्वेश्चंस है देखिए आपका कि कितने समय में, कितने समय में रुपया 7500, कितने समय में रुपया 7500 पर 11% वार्षिक ब्याज वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4100 रुपया 4125 हो जाएगा। ये आप लोगों का पूछ रहा है, देखिए बढ़िया क्वेश्चंस है, समझिएगा क्या कह रहा है, देखिए कि कितने समय में रुपया 7500 पर 11%, मतलब कि 7500 पर 11% अगर हम रेट लगाएं तो कितने समय बाद सिर्फ मुझे जो ब्याज है वो 4125 रुपए मिलेगा। तो फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था कि भाई माना हमने क्या किया कि देखिए कितने वर्ष में भाई 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या करा, कितने वो समय में माना मैंने दोस्तों कितना, टी समय में जो आपका ब्याज है 4125 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणते दर, गुणते क्या होता है आपका समय, और बटा क्या होता है मेरे दोस्तों 100, यही होता है। तो साधारण ब्याज आपका कह रहा है कितना, 4125 रुपए, कितना 4125 रुपए हो रहा है। मूलधन कितना है, कितने रुपए पर हो रहा है, देखिए 7500 रुपए पर, 7500 रुपए पर। रेट आपसे बता रहा है कितना परसेंट रेट लग रहा है, 11%।
और समय आप लोगों का नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं समय क्या है आपका टी है, और बटा कितना हो जाएगा आपका 100। देखिए दो शून्य से आप लोगों का 2-0 कट गया, कट गया मेरे दोस्तों। अब अगर हम करें देखिए, कुछ अगर काटना चाहें देखिए, 11 से अगर देखिए मैं 3 से अगर काटूं देखिए तो आपका कट जाएगा 5, 2, 7, 1, 8, 4, 12 जो है 3 से कटेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो कट जाएगा आपका 3 से। देखिए अगर मैं इसको 3 से काटूं तो आपका कितना हो जाएगा देखिए, 13 3 39 हो जाएगा। देखिए 13 3 भाई 3 1 3, ठीक है, 3 1 3 11 हो गया, 3 3 9 2 हो गया, 22 हो गया, 7 3 21 हो गया, और 5 3 आपका 15 हो गया। इसको काटेंगे 3 से तो आपका कितना होगा, 25 3 आपका 75 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब क्या है आपका 3 से कटेगा, देखिए 7 5 12 3 15 1 16 आपका 3 से नहीं कटेगा, तो क्या ये 5 से कटेगा, देख लेते हैं। अगर 5 से कटेगा तो मैं क्या करता हूं, इसको काट देता हूं। तो देखिए 5 2 9 10 3 13 37 होगा, 5 7 35 2 5 5 25, इसको काटेंगे देखिए तो आपका 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो आपका कट ही जाएगा, देखिए 5 5 25 2 5 5 25, ये आपका कितना आएगा देखिए, कट गए 5। अब आपका आया देखिए यहां पर आपका आया कितना, देखिए इधर जो आपका बचा, इधर आपका बचा 55 और बराबर इधर बचा देखिए 11 और टी आया, तो 11 से कट जाएगा, 11 5 55, तो टी बराबर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 5 वर्ष। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में जो है कितना, 5 वर्ष में 7500 पर 11% वार्षिक की दर से कितना बन जाएगा, 4125 रुपए हो जाएगा। तो समझ में आप लोगों को दोस्तों आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्ति करते हैं, उम्मीद नहीं पूरा यकीन है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में थोड़ा सा इस सेशन को थोड़ा कम रखते हैं क्योंकि अभी आप लोगों की 4th सेमेस्टर की क्लास लेनी है, लेकिन अगले सेशन से आप लोगों की लंबी क्लास रहेगी और जबरदस्त रहेगी, और यकीन करना मेरे दोस्तों पूरा कराएंगे। आप लोग डरना नहीं, क्योंकि मेहनत करना है, और मैं कहूंगा यही कि मेहनत करो, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे, अरे तुम भारत के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे और फाड़ के रख दोगे, पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे। और यही है यकीन मेरे दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने जिसने किया अच्छा पेपर हुआ, सेकेंड सेमेस्टर वालों ने जिन किया अच्छा पेपर गया मेरे दोस्तों। तो यही यकीन यही विश्वास मुझे आप लोगों के साथ भी है कि आप लोगों का भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेंगी मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो को हम समाप्ति करते हैं, यदि आप नए होइएगा तो मेरा जो मोटिवेशन है उसे जरूर करिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, हो सकेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को यदि नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।